हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारे विज्ञान की 9th क्लास की बेटा कार्यपत्रक है। कार्यपत्रक की जो संख्या वो है 18 और जो हमारी तिथि है वो है 16 अगस्त 2021। तो शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। जैसे आपको पता है, यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापक मतलब क्लास टीचर का नाम लिखना है। चैप्टर नया शुरू हुआ है, क्या है? जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, कौन सी है? कोशिका। वो वाला आपका जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 5 है आपकी NCERT की बुक में। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि जिज्ञासा दीदी, प्याज की झिल्ली को सूक्ष्म दर्शी से देखने पर हमें उसकी छोटी छोटी आयताकार कोशिकाएँ दिखाई देती हैं, क्या सभी जीव इस प्रकार की कोशिकाओं से बने होते? ये बच्चा जो है अपनी दीदी से पूछ रहा है। तो पहले बात तो सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके हमें दिखाता है। ठीक है, ये आपका जो है सूक्ष्मदर्शी है। ठीक है, ये क्या होता है, बड़ी छोटी छोटी चीज़ों को हमें बड़ा करके दिखाता है। अगर आप अपने स्कूल जब आप खुलेंगे तो आप अपने स्कूल में ये देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये लड़की बताती है कि ज्ञान, सभी जीव छोटी छोटी संरचनाओं से बने होते हैं। ठीक है, जैसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आपका घर है, आपका घर जब कभी बना होगा तो क्या होगा, एक छोटी सी, सबसे पहले जो बनाने वाला होगा उसने क्या छोटी एक ईंट रखी होगी, उसके बाद दूसरी ईंट रखी होगी, फिर तीसरी ईंट रखी होगी, चार पांच ऐसे ऐसे एक। ठीक है, तो ये शुरुआत किससे हुई है, एक ईंट से। इसके बाद क्या, एक के ऊपर एक ईंट बनती रही, फिर एक दीवार बनी, फिर दूसरी, फिर कमरा बना, फिर क्या है मंजिलें बनती रही। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या है, सभी जीव छोटी छोटी संरचनाओं से बनते हैं, इन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक क्या, क्योंकि ये काम कर रहती है, और संरचनात्मक क्यों, संरचना हमारी बनाती है, क्योंकि जीवों में सभी कार्य एवं संरचना कोशिका ही प्रदान करती है, इसलिए इसको जीवन की मौलिक और मूलभूत इकाई कहते हैं। जीव क्या है, दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, जो सिर्फ एक कोशिका से बनते हैं। ठीक है, जो केवल एक कोशिका से बनते हैं वो होता है अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशन। जैसे अमीबा की आपने ऐसे देखा होगा, यहाँ पे अमीबा कुछ भी शेप हो जाती है अमीबा। ठीक है, बैक्टीरिया पैरामीशन आपने अपनी बुक में देखा होगा, ऐसे चप्पल नुमा होता, सॉरी ऐसे ऐसे देखा होगा आपने, ऐसे ये चप्पल नुमा होता है। ठीक है, तो ये एक कोशिका जीव है जो सिर्फ एक कोशिका से बनते हैं, और बहुकोशिकीय जो बहुत सारी कोशिका से मिलकर बनते हैं और विभिन्न विभिन्न कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे हम, ठीक है, जैसे पादप हो गया, जंतु हो गया, कवक हो गई, ये क्या है बहुकोशिकीय, मतलब एक से ज़्यादा कोशिकाओं के बनते हैं। ठीक है, तो क्या ये कैसे काम करते हैं, पहले कोशिका बनती है, कोशिका से पहले, ठीक है, ये एक कोशिका होती है, कोशिका से जब एक जैसी कोशिका एक जैसा काम करते हैं तो उससे क्या बनता है, ऊतक बनता है, फिर उससे अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनता है, और उससे एक क्या है, एक जीव बनता है। ठीक है, तो ये हमारा एक कोशिका और बहुकोशिका जीव। फिर क्या है दीदी, क्या सभी कोशिका एक जैसी होती हैं? तो अब वो क्या जवाब देते कि नहीं, संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोट क्या होती है, इन सरल कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती जैसे बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे आपकी ये कोई क्या होती है, ये कोई आपकी कोशिका है, इसके अंदर क्या आपका ये क्या होता है, ये आपका केंद्रक होता है। ठीक है, ये क्या है केंद्रक, ठीक है, ये क्या है आपका केंद्रक, इसके चारों तरफ क्या होती है एक कोशिका झिल्ली, इसके चारों तरफ क्या होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली होती है। ठीक है, तो ये हो, अब प्रोकैरियोट में क्या बताया कि इसके अंदर केंद्र झिल्ली नहीं होती, ये ऐसा होगा, सिर्फ ये ऐसा होगा, इसमें क्या है कोई भी केंद्रक झिल्ली नहीं होगी प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में होगी। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक कौन है कि इन जटिल कोशिकाओं में केंद्रक व कोशिका अंग युक्त कोशिकाएं होंगी। जैसे ये कोई कोशिका होगी, उसके अंदर ये आप केंद्रक है, और उसके चारों तरफ क्या होगी कोशिका झिल्ली होगी, और बहुत सारे क्या है कोशिकांग अंग, जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सब आपके प्रेजेंट हो गए। जैसे कोई कोशिका हो गई, ये क्या है केंद्रक हो गया, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, अगर ये प्लांट अगर ये पादप है, ठीक है, तो ये सब होंगे। अब यूकैरियोट कोशिका दो प्रकार की होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इसमें अंतर दे रखा है, क्योंकि आपका अंतर भी कई बार आता है पेपरों में। जैसे प्रोकैरियोट क्या है, इनका आकार बहुत छोटा होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर। यूकैरियोट का आकार बड़ा होता है, स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता, मतलब होता ही नहीं है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है अच्छे से, इसमें केंद्रकाएं उपस्थित होते हैं, इसमें भी होते हैं, विशिष्ट अंग अनुपस्थित होते हैं, इसमें यूकैरियोट में विशिष्ट झिल्लीयुक्त अंग होते हैं, इसमें एक क्रोमोसोम होता है, इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम होता है, इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल पादप, जंतु, कवक। ठीक है,
ये हमारा हो गया। अब यहाँ पढ़ते हैं कि कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था, रॉबर्ट हुक ने, किसने लगाया था, रॉबर्ट हुक ने। फिर सबसे पहले जीवित कोशिका किसने देखी थी, ल्यूवेन हॉक ने, किसने देखी थी, ल्यूवेन हॉक ने। और कोशिका का सिद्धांत क्या है कि सभी जीव कोशिका से बने होते हैं और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती है पहले वाली कोशिकाओं से बनी होती, मतलब किसी न किसी कोशिकाओं से जैसे बने होगा, जैसे हम क्या अपने अपने पेरेंट्स से बने, तो यही कहा है कि सभी जो जीव होते हैं कोशिकाओं से बने होते हैं और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती मतलब उन पहली वाली से वो बनती है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे क्या है वर्कशीटों के क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि कोशिका की परिभाषा लिखिए। कोशिका की परिभाषा आप क्या है यहाँ से लिख सकते हैं कि सभी जीव छोटे छोटे संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, और ये भी आगे इसके ये भी लिख देंगे यहाँ से कि कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई होते हैं क्योंकि जीवों में सभी कार्य एवं संरचना कोशिका ही प्रदान करती है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट में अंतर। ये आपको मैंने अभी बहुत अच्छे तरह से समझाया, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। यहाँ से इसको इसी तरह से जब भी आप अंतर लिखो एक बात जरूर देखें, हमेशा अंतर जैसे ऐसे पार्टीशन में करते हैं। ठीक है, तो और आमने सामने इनके बारे में जैसे हमने इसमें बताया कि आकार छोटा है, इसमें बताया बड़ा, तो ये हमेशा आमने सामने ऐसे लिखते हैं, आमने सामने। ठीक है, डिफरेंस ऐसे लिखते हैं और हमेशा डंडा डाल के लिखते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा से अच्छा होता है। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन कि सबसे पहले कोशिका की जो पता था या खोज थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, और 1665 में की थी, ये आपका लिखा नहीं लेकिन की थी। ठीक है, तो थर्ड का आंसर क्या है, रॉबर्ट हुक। अब क्या है कि सॉरी आपका दूसरा आ गया था, अब क्या है कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि एक कोशिका और बहुकोशिका जीवों के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो ये रहे आपका ये रहा, यहाँ से आप लिख देंगे, यह आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि एक कोशिका जीव कौन से होते हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, और बहुकोशिका कौन होते हैं जो जीव अनेक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जैसे पादप, जंतु, कवक कैसे बने होते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं नीचे कि कोशिका बनती है, कोशिका से उत्तक बनते हैं, उत्तक से अंग, फिर अंग से अंग तंत्र। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की जो है हमारी कार्यपत्रक है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो प्लीज़ सबसे पहले तो हमारा जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, जिससे हमें पता लगे कि आपको हमारा पढ़ाना कितना समझ में आया। और अगर आप नए बच्चे हैं हमारे चैनल पे हमारी कक्षा में, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। और हमेशा याद रखिएगा COVID-19 है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, मास्क लगाएँ, 2 गज दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि जैसे ही दुर्घटना कब घटती है, जब हमारी सावधानी हटती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।